न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है। अब इंतजार होगा अपोनेंट टीम की, जो कि 2023 के फाइनल में भारतीय टीम को टक्कर देने के लिए आने वाली है। नॉकआउट में हारने का सिलसिला आखिरकार भारतीय टीम ने यहाँ पर खत्म कर ही दिया, जिसकी उम्मीद थी कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल होगा उसमें एक टीम भारतीय टीम रहने वाली है। साथ ही साथ भारतीय टीम इस साल वर्ल्ड कप 2023 भी जीतने वाली है। तो अब इंतजार है सिर्फ 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल का और भारतीय टीम के जीत का। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसी अंदाज में इस सेमीफाइनल में भी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। विराट कोहली की सूझबूझ शतक की पारी शामिल थी, लेकिन सबसे डिफरेंट पारी की अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर की वो तूफानी पारी, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट इस मैच में देखने को मिला उनकी पारी से। और टीम इंडिया 397 रन बनाने में कामयाब रही। 398 रनों का बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखी गई, लेकिन यह टीम लड़ना जानती है और उसी तरह की बैटिंग भी देखने को मिला। केन विलियमसन और डेरिक मिचेल ने शानदार बल्लेबाजी की और एक समय ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड टीम इस मैच में अच्छा खासा बनी हुई है, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी का एक बार फिर कमबैक स्पेल और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 70 रनों से जीत लिया। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, भारत वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल जो वानखेड़े क्रिकेट मैदान खेला जा रहा था, उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 70 रनों से बड़ी जीत हासिल करके वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक जय हिंद।